जनपद में 3 मार्च को होने वाले मतदान को देखते हुए सभी पोलिंग बूथों पर दिव्यांगजन बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए समुचित व्यवस्था की गई है, जिसके संबंध में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया कि 3 मार्च को होने वाले मतदान को लेकर बूथों पर दिव्यांगजन के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ बूथों पर रैंप बनाया गया है, जिससे बूथों पर मतदान करने में दिव्यांगजन को किसी भी तरह की समस्या ना हो। इसके अलावा निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देशों का 100% पालन करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी बूथों पर निर्वाचन आयोग के द्वारा आए प्रेक्षक जाकर सभी व्यवस्था को चेक कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा, 3 मार्च को मतदान किया गया है, प्रशासन के द्वारा तो बूथों पर दिव्यांगजनों के लिए और बूथों के ऊपर अगर दिव्यांगजन ऑप्ट करते हैं वहाँ वोट डालने के लिए, तो उसके लिए हमने जो व्हील चेयर है उसकी व्यवस्था की गई है और रैंप जो अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटी में हर बूथ पे बनाया गया है और उनके जो कोई परेशानी ना हो सुविधा के लिए हर बूथ पे जो दिव्यांग शौचालय उसकी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जितनी भी दिशा निर्देश इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए गए उसका अनुपालन कर लिया गया है, उसकी जो वेरिफिकेशन है ऑब्जर्वर लेवल पे भी अभी की जा रही है और अलग अलग बूथों पे जाके और अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ में सारे बूथों पे उसको इंश्योर किया गया है कि वहाँ पे मिनिमम अवेलेबल है। 20 सखी बूथ भी इस बार बनाए जाए।